लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, पूजा के लिए भगवान खुश होंगे। लेकिन मैं ये घोषणा करता हूँ कि भाई लोगों, प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, कतई अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? मैं प्रमाण के साथ इस बात को कहता हूँ। तुम अब जो रासायनिक खेती करते हो उससे तो तुम प्राणियों को मारने का काम करते हो, और प्राकृतिक खेती करोगे तो प्राणियों को जीवन देने का काम करोगे। ये जो मनुष्य है ना, इस जितना पाखंडी, इस जितना ढोंगी एक भी प्राणी नहीं धरती है। असंख्य प्राणियों में इस आदमी से ज्यादा ढोंगी, बनावटी, दिखावटी कोई प्राणी नहीं। तुम जय तो बहुत बोलते हो गौ माता की, पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, पर बेचारी दूध नहीं देती तो घर से भी बाहर निकाल देती हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की ना दूध पीते ना गाय पालते, और गौ माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू समाज ढोंगी नंबर वन। क्यों सा? ना दूध पीते ना गाय पालते, गौ माता की जय हो जाएगी। जय गौ माता को समझो, जानो, ये सही अर्थों में गौ माता है। भगवान ने देसी गौ माता के पेट में, आंतों में सूक्ष्म जीवाणु की फैक्ट्री लगा करके भेजा। और हम क्या करते हैं, ध्यान करो, मैंने कहा ना एक ड्रम लिया, 170 लीटर उसमें पानी भर लिया, छाए में रखा। देसी गाय जो स्वस्थ गाय है वो 24 घंटा में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10